इसे देखो, सर पे झोला और हाथ में बोरा। तो ऐसी कुछ ट्रैवलिंग होती है सेकंड क्लास में। तो जल्दी जल्दी चलते इस वीडियो में। मैं हूँ कल्याण जंक्शन पे और जाने वाला हूँ नासिक रेलवे स्टेशन। तो इस सफ़र में आप हमारे साथ में हैं। सबसे पहले हम जाएंगे टिकट लेने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कैसे सब लोग सोए हुए हैं, और अनुमान रेलवे स्टेशन पे ऐसे ही सोए रहते हैं। बज रहे हैं 12:30 और टिकट की लाइन छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ मेरा टिकट लेने के लिए मैं एक लाइन से पीछे हूँ। टिकट मिल गया मुझे, और टिकट था 60 रुपीज़ का। 40 रुपये वापस मिल गया, 100 का नोट दिया था मैंने। अब यहाँ से हम चलेंगे स्टेशन के तरफ। तो हम लोग ब्रिज चढ़ रहे हैं। ब्रिज में स्लोपी ब्रिज है, सीढ़ी वाला नहीं है। यहाँ ब्रिज पे सामने खड़े हम। यहाँ पे है वॉग 7 SC। तो यहाँ पे हमारी एक ट्रेन थी जो पाटलिपुत्र थी, ये जाने ही वाले थी, और इतने इसमें इंसिडेंट ये हो गया कि किसी ने चैन पुल कर लिया और बहुत ही बड़ा इशू हो गया। पता है आपको, RPO वाले परेशान हो गए। यहाँ पे देखो चैन पुलिंग हो गई है, और आगे से एक ट्रेन जा रही है जो कि विशाखापट्टनम है, तो वो दूसरे। और यहाँ पे बहुत सारे क्राउड, मतलब बहुत क्राउड हो गया था, और RPO वाले उनको कन्वेंस कर रहे थे कि चलो आप दो लोग जिसने चैन पुलिंग की थी विदाउट एनी रीज़न, उसके उन्हें मतलब टैकल करने के लिए वो ऑफिस ले जा रहे थे, और लोग वहाँ पे घेर चुके थे। और ट्रेन थी दोस्तों पाटलिपुत्र, जो कि मुंबई तिलक नगर से पटना के लिए जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी ट्रेन आ चुकी है, 1 बज रहे हैं, और आई ये ट्रेन, ये अमृतसर एक्सप्रेस, ये वॉग 5 लोकोमोटिव के साथ दोस्तों रेडी है। यहाँ देख सकते हो वॉग 5, और है दोस्तों ट्रेन ये अमृतसर एक्सप्रेस, जो कि मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से होके जाती है अमृतसर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे कल्याण का व्यू दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही अंधेरा हो गया है। नाव का है तुझे? रफीक, रफीक के साथ हम लोग। तो यहाँ पे एक छपरी दोस्त मुझे मिल गया था, उससे बात हुआ थोड़ा, उसने मुझे बैठने के लिए दिया। और ऐसे कुछ मैंने ट्रैवलिंग की, आप देख सकते हो बाजू में गुटखा खाया हुआ था इसने, मुझे स्मेल थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन ये सब आप लोग के लिए ट्रैवलिंग किया मैंने। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड काफ़ी फास्ट हो गई है। आई थिंक ये सहाड़ या तो टिटवाला रेलवे स्टेशन है, मैं अज्यूम नहीं कर सकता हूँ, बट ये कसारा के साइड जाने वाले कुछ लोकल स्टेशन्स पड़ते हैं जो कि वही है। इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा दोस्तों कि हम लोग जो ट्रैवलिंग कर रहे थे वो सेकंड क्लास में कर रहे थे, जो फेयर था वो 60 रुपीज़ था। और यहाँ पे आप देख सकते हो नियर बाई 2 बज रहे हैं, और हम पहुँचने वाले हैं कसारा रेलवे स्टेशन पर। ये देखिए कसारा रेलवे स्टेशन आ चुका है। तो हमारा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था कल्याण से, वो हुआ था 1 बजे, और 1 आवर्स में हम लोग कसारा रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। यहाँ पे देख सकते हो मैंने भी कुछ अलग ही शॉट्स लिए हुए हैं। यहाँ पे सेकंड क्लास में दोस्तों एक्चुअली इन लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, यहाँ के जो कामगार होते हैं, चाय बेचते हैं या फिर ये सब करते हैं, उन लोग बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं यहाँ पर सेल करने के लिए, क्योंकि हाईली सेल यहीं पर ही है सेकेंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में तो क्या होता है कि IRCTC वाले ऑलवेज यू नो मूव अराउंड। खुल चुकी है मेरी, और हाल बहुत बेहाल है यहाँ पे डिब्बे में। मेरे लिए तो एक दो स्टॉप और है, बट और लोगों के लिए बहुत ट्रबल है। और जर्नी बहुत औसम होने वाली है दोस्तों, बहुत अच्छी होने वाली है। नेक्स्ट जो स्टेशन है वो है इगतपुरी। यहाँ पे देखो झोला और बोरा का जो कॉन्सेप्ट है वो है, ऐसे दोस्तों यहाँ पे ट्रैफिक होती है जैसे सेकेंड क्लास वालों में। अब यहाँ पर एकदम रात हो गई है, और हम लोग एक सुरंग में है, एक ट्रेन जस्ट गई जा रही है, मतलब ये सुरंग पूरा पूरा डार्क व्यू है। और यहाँ पे कुछ क्या होता है, जब हम कसारा से निकलते हैं ना, तो कसारा के आगे ही रोड और ट्रैक दोनों रहती है, तो वहाँ से हमको कुछ ना कुछ दिखता भी है। यहाँ पे देखो एक और लोकोमोटिव दिखी, पंजाब मेल आई थिंक सो, गेस नहीं कर पा रहा दोस्तों, अंधेरा बहुत है, उतना समझ में नहीं आ रहा है।
बहुत ज़्यादा डार्क व्यू है, बहुत ज़्यादा डार्क व्यू है। अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों नियर बाई 3 बज रहे हैं और हम लोग पहुँच गए हैं इगतपुरी रेलवे स्टेशन। इगतपुरी रेलवे स्टेशन मैंने जो मेरा ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, बहुत नीट एंड साफ रेलवे स्टेशन है ये। और ये मेरा दोस्त छपरी, ये बंदे ने भी बहुत सैक्रिफाइस किया दोस्तों। मैं बैठा था, ये खड़ा ही रह गया, ये इसको लगा कि मैं वीडियो लॉग शूट कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं थोड़ा बैठ जाऊँ और ये अच्छे से शूट कर लूँ। यहाँ पे देख सकते हो बंदे ने वड़ा पाव खाया, मुझे भी ऑफर किया बट वड़ा पाव मैंने, और आप देख सकते हो जस्ट पीछे जो बैग है ना वो मेरा है। सोचो कितना रिस्क रहता है बैग को लेके भी। अब यहाँ से इगतपुरी रेलवे स्टेशन से जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो डायरेक्टली नासिक होने वाला है। यहाँ से इगतपुरी को हम लोग अलविदा कहते हुए हमारी ट्रेन निकल चुकी है। बहुत ही नीट एंड साफ, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया ये रेलवे स्टेशन है। सो व्यू बहुत ही अंधेरा वाला है लेकिन सफ़र बहुत अच्छा था। आप इसको देखोगे आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा। और नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट मैं दिन का शूट आपको दिखा सकूँ, लेकिन आपको बताना होगा कि कौन से जगह से लेकर कौन से जगह तक का जाना है। अब हम लोग पहुँच गए नियर बाई दोस्तों, 3:15 हो रहा था और हम पहुँच गए हैं नासिक रेलवे स्टेशन पर। नासिक रेलवे स्टेशन बहुत क्राउड था बिकॉज मैं महाशिवरात्रि के दिन ट्रैवलिंग कर रहा था, तो बहुत क्राउड था। हर एक ट्रेन जो थी वो फुल होके आ रही थी और नासिक में खाली हो रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो नासिक में पहुँच चुका हूँ मैं, और ये ट्रेन जो है अमृतसर एक्सप्रेस, इसको बाय बाय करेंगे हम। मैं करीब से दिखाता हूँ आपको। मैं था दोस्तों, मैं तो ये तो S1 का कुछ तो है लेकिन मैं सेकेंड क्लास में ही था ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो हम लोग अब चढ़ रहे हैं स्टेयर्स पे। नासिक रेलवे स्टेशन काफ़ी नीट एंड क्लीन रेलवे स्टेशन है और मेरा बहुत ही मतलब अप डाउन मैंने बहुत किया नासिक रेलवे स्टेशन से, तो मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है यहाँ के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो एकदम नीट एंड खाली, मतलब यहाँ पे लग रहा है बट वो थोड़ा मैं बैक साइड में खड़ा हूँ जहाँ पे यार्ड नहीं रहता, जहाँ पे जैसे गाड़ियाँ वगैरह पार्सल आती हैं तो खड़ी रहती, वो साइड में मैं खड़ा था। पहले एक रास्ता था इधर पीछे से ही हम लोग एग्जिट हो सकते थे बट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने की वजह से वो पूरा पैक कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है। और मेरा ये मानना है कि नासिक जो है एक दफ़ा आपको एक बार ट्राई करना चाहिए जाके। बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जिट पॉइंट के पास मैं पहुँच चुका हूँ अभी। ऐसे लोग सोए रहते हैं चादर लेके, अच्छा व्यू लगता है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि देखो बाय द वे रेलवे जो होती है आपकी होती है, सिर्फ नासिक रेलवे स्टेशन पे एक बैनर लगा हुआ है वंदे भारत के रिगार्डिंग में, जो कि वंदे भारत अभी जस्ट 6 तारीख को स्टार्ट की हुई है फरवरी में 2023 में, जो कि CST से चल के मनमाड़ को जाएगी। तो इसके वजह से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हाँ इस रेलवे स्टेशन में वंदे भारत का स्टॉप है। तो यहाँ पे देख सकते हो नीट एंड क्लीन प्लेस, मतलब फाइनेस्ट प्लेस यहाँ पर है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में अलविदा कहना चाहता हूँ और आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।